हेलो स्टूडेंट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1.10 फ्रॉम सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम यूनिट 1 केमिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 11। इस क्वेश्चन में अपने पास 3 मोल्स हैं किसके, C2H6 के, और अपने को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम बताने हैं। पहला क्वेश्चन, तो अपन क्या सिंपल लिखते हैं कि इन 1 मोल C2H6 कार्बन के कितने मोल दिख रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन। तो यहीं से तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, सिंपल यूनिटी मेथड, 2 × 3 मोल ऑफ कार्बन एंड दैट विल बी 6 मोल ऑफ कार्बन। दिस इज द फर्स्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, उसका नंबर मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो यही सेम देखें, इन 1 मोल C2H6 हाइड्रोजन कितने, 6 मोल हाइड्रोजन एटम। तो यहां पे 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 6 × 3 मोल मींस 18 मोल हाइड्रोजन एटम। थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन, तो 1 मोल एथेन में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगाड्रो नंबर Na मॉलिक्यूल, तो 3 मोल में कितने हो जाएंगे, 3 × Na एंड द वैल्यू विल बी 3 × 6.0 2 × 10²। तो यहां हो जाएगा 18.06 × 10²³ मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेन।